इस पर्टिकुलर सेशन में हम सम ऑफ द सीरीज 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 टिल 1/n तक फाइंड आउट करेंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ n। तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए i, जिसका वैल्यू होगा 1। i इस सीरीज का डिनोमिनेटर होगा, 1/1 होगा। अगले बार i बढ़ जाएगा 1 से, i होगा 2, i होगा 3, i होगा 4, i होगा 5, इस तरह i n तक बढ़ते जाएगा। अब हमने सम को फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर इसी कारण लिया है क्योंकि 1/2 का आंसर होगा 0.5, 1/3 को होगा 0.33। अगर हमने सम को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया तब डेसिमल्स यानी फ्रैक्शंस सम स्टोर नहीं कर पाएगा। तो हमने n यूज़र से एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। और यूज़र से एक्सेप्ट करने के बाद जब तक i का वैल्यू n से कम या बराबर हो हम सम को i का वैल्यू ऐड करते जाएंगे। i का वैल्यू मतलब 1/i प्लस 1/i ऐसे ऐड करते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, यूज़र से हम ये पूछेंगे कि आपका सीरीज का लास्ट टर्म क्या होगा। समझ लीजिए अगर यूज़र ने कहा सीरीज का लास्ट टर्म 3 होगा तो हम 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 का सम हम सम में स्टोर करके वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो अभी फॉर लूप में क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहला फॉर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, जब तक आई का वैल्यू एन से कम है हम क्या करेंगे, सम इज सम प्लस 1/i। अभी मैं एक गलती बताऊंगा आपको, 1/i किया तो क्या होगा। अगर आप देख रहे हो हम यहाँ पे 1 इंटीजर है, i भी इंटीजर है। अगर इंटीजर डिवीजन करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 1/2 करोगे उसका रिजल्ट 0.5 नहीं आएगा, 0 आएगा। इसी कारण हम 1 को 1.0 कराना पड़ेगा, तब क्या होगा i ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा यानी प्रमोट होगा, इंट से फ्लोट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इनिशियली i का वैल्यू 1 है, सम होगा 1/1 होगा, सम 1 होगा। अगले बार जब i 2 होगा 1/2 क्या होगा 0.5, 1 प्लस 0.5 1.5 होगा। तो इस तरह ये लूप चलता जाएगा और लास्ट को आप सम ऑफ द सीरीज इक्वल टू सम आप प्रिंट करोगे। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, कंपाइल करके इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी आउटपुट स्क्रीन पे तो आ रहा है, अभी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एंटर द लास्ट टर्म, चलिए हम केवल 9 तक एंटर करेंगे, देखेंगे क्या होगा। तो सम ऑफ द सीरीज आ रही है 2.83। तो अगर आप देखोगे हमने एंटर कर दिया 9, यहाँ पे 9 एंटर कर दिया, सम ऑफ द सीरीज आ गया 2.83। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वैल्यूज देके इसे टेस्ट कर सकते हो। एक छोटा सा वैल्यू टेस्ट कर सकते हैं हम, अगर हम 3 तक ही ले ले वैल्यू तब हमें आएगा 1 प्लस 0.5 प्लस 0.33, तो आना चाहिए करीब 1.83, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, केवल 3 तक सीरीज एंटर कराएंगे तो आ गया 1.83, ठीक है। अभी आपको क्लियर दिखने के लिए यहाँ पे हम स्क्रीन, अब देखिए आ रहा है सम ऑफ द सीरीज 1.83। तो इस तरह से तरीके से आप दूसरे वैल्यूज देके ये सीरीज वर्क हो रहा है यानी चेक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमरेटर को 1.0 कराना, नहीं तो आपका डिवीजन रिजल्ट 0 आ जाएगा या केवल 1 आएगा। अभी देख लीजिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब चाहे हम जितने भी n का वैल्यू दोगे केवल आंसर आएगा 1, क्योंकि 1/1 होगा, उसके आगे सारे टर्म्स 0 होते जाएंगे। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देख ले, हम एंटर करेंगे नंबर ऑफ लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, हम चलिए एंटर करेंगे 19। अब देख लीजिए क्या होगा, फिर भी आपका सीरीज का आंसर आ गया केवल 1। क्यों 1 आ गया, क्योंकि 1 के बाद 1/2 0 हो गया, 1/3 भी 0 हो गया। तो आपको इंटीजर डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ऐसे प्रोग्राम में आपको काफ़ी परेशानी आ सकती है।